गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स. फर्स्ट ईयर की इस क्लास में आज फर्स्ट पार्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन था, सिंधु घाटी सभ्यता की जो भवन निर्माण कला थी, उस पर हमने चर्चा की थी. और आज हम सबसे पहले लेते हैं सामाजिक जीवन. आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सामाजिक जीवन या समाज जो है वो परिवार से मिलकर के बनता है. और सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न स्थलों की खुदाई हुई है और उन खुदाइयों में प्राप्त जो अवशेष हैं, वो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सिंधु वासियों का जीवन सामाजिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था. और ऐसा हम भी इसे सत्य प्रतीत मान सत्य मान सकते हैं. जैसा कि हमने नगर निर्माण और भवन निर्माण कला पढ़ी थी, और उसमें आप देखिए, हम लोग ने ये भी पढ़ा था किस प्रकार से स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों को ध्यान में रखते हुए नगरों और भवनों का निर्माण किया गया था. तो निश्चित रूप से सिंधुवासी जो थे वो अपनी सुख सुविधाओं के प्रति भी पूर्ण रूप से सतर्क थे, और यही कारण है कि उनका सामाजिक जीवन जो था वो पूरी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था. अब सामाजिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार की. जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि समाज जो है वो विभिन्न परिवारों से मिलकर बनता है, या परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है. और परिवार के बिना, या हम समाज की इस महत्वपूर्ण इकाई पर चर्चा किए बिना सामाजिक जीवन को पूरी तरह से समझ नहीं सकते. और यहाँ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये फर्स्ट टाइम है ये जब हम लोग किसी भी सभ्यता का या किसी भी युग का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे. तो परिवार, जब सामाजिक जीवन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बिंदु हैं जिन्हें आप किसी भी युग के सामाजिक जीवन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं. उनमें जैसे परिवार है, उस समाज में विभिन्न जो वर्ग हैं उसके बारे में हम चर्चा हमें करनी होती है, जो जाति प्रथा है, खान पान है, रहन सहन है और विवाह प्रथाएं हैं या विभिन्न सामाजिक संस्कार हैं, इनके आधार पर हम किसी भी सभ्यता या किसी भी युग के सामाजिक जीवन का अध्ययन कर सकते हैं. तो फिलहाल हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के. तो इसमें पहला पॉइंट हमारा है परिवार. परिवार आप देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक तो मातृ सत्तात्मक और एक पितृ सत्तात्मक. अभी तक आपने अधिकांशतः ये देखा होगा, वर्तमान में भी स्थिति है कि हमारे परिवार जो हैं वो पितृ सत्तात्मक हैं. लेकिन यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के पारिवारिक दृष्टि, पारिवारिक गठन पर यदि दृष्टि डालें, तो हम ये देखते हैं वहाँ परिवार जो थे वो मातृ सत्तात्मक थे. मातृ सत्तात्मक से अभिप्राय क्या होता है, जहाँ माता परिवार की मुखिया या प्रधान होती है. और पितृ सत्तात्मक में पिता जो होते हैं वो परिवार के प्रधान या मुखिया होते हैं. अब सिंधु सभ्यता में परिवार मातृ सत्तात्मक थे. इस बात का प्रमुख आधार क्या है, खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों का मिलना. यानी जो विभिन्न स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि जो महत्वपूर्ण नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जब उनके उत्खनन का कार्य किया गया था, तो वहां पर बड़ी संख्या में नारी मूर्तियां मिलना इस बात की ओर संकेत करते हैं कि सिंधु वासियों का परिवार मातृ सत्तात्मक होता था. अर्थात परिवार में महिलाओं की प्रधानता थी, या महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार किया गया था. अब सामाजिक जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है सामाजिक वर्ग. हम इस बात को भी वर्तमान में अच्छे से देखते हैं और भली भांति समझते हैं कि समाज जो है वो विभिन्न वर्गों में विभाजित होता है.
अपने अपने समय और युग के अनुसार ये वर्ग जो थे इन वर्गों में परिवर्तन अवश्य देखने को मिलता है, लेकिन ये निश्चित है कि समाज का विभाजन विभिन्न वर्गों के आधार पर समय समय पर हमें दिखाई देता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी समाज जो है वो चार वर्गों में विभाजित था। अब ये चार वर्ग कौन से थे? विद्वान वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्पकार और श्रमिक। अब स्वाभाविक है जो विद्वान वर्ग है, इस विद्वान वर्ग से जुड़े हुए लोग कौन होंगे? जैसे पुजारी, वैद्य, ज्योतिष तथा जादूगर जो है वो भी विद्वान वर्ग में सम्मिलित किए जाते थे। और इन सभी में जैसा कि पुरोहित जो है, आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन में भी देखेंगे, पुरोहित की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस दृष्टि से यदि हम देखें समाज में पुरोहित का सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। इसी प्रकार आप देखिए हड़प्पा के विभिन्न आकार प्रकार के जो मकान प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि समाज में जाति प्रथा का भी प्रचलन था। इसका मुख्य आधार जो समाज में विभिन्न आकार प्रकार के मकान मिले हैं उसको बनाया गया है कि ये जाति प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित रही होगी। संभवतः जो उच्च जाति के लोग होंगे उनके मकान भव्य होंगे, आकार प्रकार में बड़े होंगे, और इसी प्रकार से जिन मकानों के आकार छोटे हैं निश्चित रूप से उनका संबंध निम्न वर्गों से रहा होगा। इसी प्रकार से आप देखिए जो खुदाई में तलवार और पहरेदारों के भवन भी प्राप्त होते हैं, उनके अवशेष प्राप्त होते हैं, इसके आधार पर ये माना जाता है कि ये योद्धा वर्ग रहा होगा, यानी योद्धाओं से हमारा अभिप्राय होता है क्षत्रिय वर्ग, तो क्षत्रिय वर्गों के ये निवास स्थान रहे होंगे। और तीसरे जो हमारा वर्ग था व्यापारी, हम सभी जानते हैं व्यापारी जो है वो वैश्य वर्ण से जुड़े हुए माने जाते हैं या उनका समीकरण वैश्य वर्ण से किया जाता है, जिनमें आप देखिए जो खुदाई में विभिन्न जुलाहे, स्वर्णकार आदि से संबंधित अवशेषों की प्राप्ति भी हुई है, जो तीसरे वर्ग को संबोधित करती है। और अंतिम वर्ग के रूप में हम देखते हैं श्रमिक, जिनमें आप देखिए चर्मकार आदि को रखा जाता है, और साथ ही साथ मछुआरे आदि जो थे वो भी इस वर्ग में सम्मिलित थे। तो इस तरह से सामाजिक जीवन में हमारा परिवार और समाज के विभिन्न वर्ग जो थे वो क्लियर हो जाते हैं। अब समाज में रहते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है खान पान, यानी समाज में रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार का भोजन करते थे। तो सिंधु वासी जो हैं वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, यानी दोनों प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते थे। अब इनमें प्रमुख देखिए जो भोज्य पदार्थ थे या खाद्यान्न थे जिनका प्रयोग शाकाहारी लोग किया करते थे उस समाज में, तो वो है गेहूं, जौ, चावल, तिल, दाल, ये उनका प्रमुख भोज्य पदार्थ होता था। इसके साथ साथ आप देखिए शाक सब्जियां, दूध तथा फल जैसे खरबूजा, तरबूज, नारियल, नींबू, अनार आदि का सेवन भी शाकाहारी लोग किया करते थे। अब मांसाहारी लोग किन किन पशुओं का या पक्षियों का मांस खाया करते थे, उसमें आप देखिए प्रमुख रूप से भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख, घड़ियाल तथा मछलियां जो हैं वो मांसाहारी लोगों के द्वारा उस समय भोजन के रूप में प्रयोग लाई जाती थी या इनका मांस भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता था। ये बात हो गई खान पान और रहन सहन की। अब हम बात करते हैं खान पान की, अब हम बात करते हैं रहन सहन की। किस तरह से सिंधुवासी लोग जो अपनी सामाजिक सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे उनका रहन सहन किस प्रकार था। अब आप देखिए जो खुदाई के कार्य विभिन्न स्थलों पर किए गए हैं उनमें सुइयां प्राप्त हुई हैं,
उनका मिलना इस बात की ओर संकेत करता है कि सिंधुवासी सिले हुए वस्त्र पहना करते थे या इस युग में सिले वस्त्र पहने जाते थे। स्वाभाविक है कि इस समय तक मनुष्य जो है वो अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में पहुंच चुका था और अपने शरीर को ढकने तथा विभिन्न मौसमों के अनुसार अपने शरीर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अब कपड़े आदि या पशुओं की खाल आदि लपेटने के स्थान पर सिले वस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा था। अब रहन सहन में वस्त्रों के साथ साथ श्रृंगार प्रियता जो है वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि सिंधुवासी स्त्री और पुरुष दोनों ही यानी बोथ मेल एंड फीमेल वो श्रृंगार प्रिय थे और श्रृंगार के विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करते थे। विभिन्न स्थलों की खुदाई में जो आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं उससे उनकी आभूषण प्रियता और श्रृंगार प्रियता स्पष्ट होती है। जैसे कंठहार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, कड़धनी आदि महत्वपूर्ण आभूषण प्राप्त होते हैं। इसी तरह से आप देखिए दर्पण, छुरे, कंगे और अंजन लगाने की शलाकाएं भी खुदाई से प्राप्त होती हैं, जो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि सिंधुवासी आभूषण और श्रृंगार प्रिय थे। साथ ही साथ आप देखिए स्त्रियां जो थी विभिन्न प्रकार से अपने केशों को संवारती थी, जैसे जूड़ा बनाती थी, तथा पुरुष जो है वो लंबे लंबे बाल और दाढ़ी मूछ भी रखा करते थे। इसी तरह से विभिन्न अन्य श्रृंगार और प्रसादन की जो सामग्री है उसके अवशेष भी मिलते हैं, जैसे कांचली मिट्टी, शंख और शैल खड़ी से बनी हुई चूड़ियां भी प्राप्त होती हैं। संभवतः अपने आप को अधिक प्रभावशाली और सुंदर दिखाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की प्रसादन सामग्री का उपयोग भी किया जाता रहा होगा। अब सामाजिक जीवन में अगला महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट आता है आमोद और प्रमोद। मनोरंजन के बिना सामाजिक जीवन को अधूरा माना जाता है, तो सिंधुवासी जो थे वो इस बात से भी भली भांति परिचित थे कि मनोरंजन सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब इसके लिए आप देखिए किस तरह से वो प्रमुख रूप से जो खेल खेला करते थे या अपने मनोरंजन का साधन बनाया करते थे, तो उनका सबसे प्रमुख खेल था पासा। पासा खेल में वो काफी पारंगत थे और विभिन्न प्रकार के पासे प्राप्त हुए हैं जो मिट्टी से बने हैं, पत्थर से बने हैं और कांचली मिट्टी से बने हुए हैं। खेल के साथ साथ नृत्य और संगीत तथा शिकार ये सिंधु वासियों के मनोरंजन का प्रमुख साधन थे। हड़प्पा से जो अभी जैसा मैंने आपको बताया मिट्टी, पत्थर तथा कांचली मिट्टी के बने हुए पासे प्राप्त हुए हैं, जो निश्चित रूप से इस बात को इंगित करते हैं कि पासा सिंधु वासियों का निश्चित रूप से प्रमुख खेल रहा होगा, किंतु साथ साथ नृत्य, संगीत और शिकार भी उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, वो नृत्य और संगीत के प्रति सिंधु वासियों के रुचि को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार से मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए हैं, यानी जब सिंधु वासी फ्री रहा करते थे उस समय में वो मछली पकड़ने का कार्य भी करते थे और जैसा भी हमने खानपान में देखा था वो मछली का को भोजन के रूप में भी प्रयोग में लाते थे। उत्खनन में बहुसंख्यक यानी बड़ी संख्या में अस्त्र शस्त्र और औजार प्राप्त किए गए हैं, जो इस बात के द्योतक हैं कि इनका प्रयोग युद्ध अथवा शिकार के लिए किया जाता होगा। ये सामान्यतः तांबे और कांसे से बनाए जाते थे। अब सामाजिक जीवन के बाद हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की, क्योंकि अर्थ के बिना सामाजिक जीवन अधूरा है।
इसमें आप देखिए जिस तरह से हमने सामाजिक जीवन में कुछ पॉइंट्स बनाए थे, लाइक परिवार, जाति प्रथा, समाज के वर्ग, खान पान, रहन सहन, आमोद प्रमोद के साधन, इसी प्रकार से जब हम किसी भी युग के आर्थिक जीवन को स्पष्ट करते हैं तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट डिसाइडेड होते हैं जिनके बेसिस पर हम इकोनॉमिक लाइफ को क्लियर कर सकते हैं। एंड दीज आर सर्वप्रथम आप देखिएगा कृषि तथा पशुपालन, यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है वो हर आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार रहा है एंड स्पेशली इन इंडिया। और इसी तरह से जो शिल्प उद्योग हैं, व्यापार वाणिज्य हैं, ये आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में पहला पॉइंट करेंगे कृषि तथा पशुपालन, उनकी जीविका का प्रमुख आधार था, प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि और दूसरा था पशुपालन। अब कृषि स्वाभाविक है, कृषि कब संभव हो सकती है या कृषि कब अधिक हो सकती है या कब उत्पादन अधिक हो सकता है, जब कृषि भूमि जो है वो उपजाऊ हो। और यही कारण है क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी और विस्तारित हुई थी, ऐसी स्थिति में जो मिट्टी होगी वो निश्चित रूप से उपजाऊ होगी और सिंधुवासी इस ओर काफी रुचि भी रखते थे और उनके निरंतर प्रयास रहते थे कि किस प्रकार से कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो हर संभव तरीके जो थे, चाहे वो सिंचाई के रूप में हो, चाहे वो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने के रूप में हो, सिंधुवासी उनका उपयोग करते थे। अब हम बात करते हैं सिंधुवासी कृषि के क्षेत्र में प्रमुख रूप से किन चीजों की पैदावार करते थे। तो गेहूं और जौ जो है वो उनका प्रमुख खाद्यान्न हुआ करते थे और इस बात का प्रमाण मिलता है खुदाई में विभिन्न स्थलों से गेहूं और जौ के दानों की प्राप्ति, जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सिंधुवासी गेहूं और जौ की विस्तृत रूप से खेती किया करते थे। धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, किंतु जो धान की भूसी होती है वो रंगपुर के स्थलों से मृत्ति पंड में लिपटे हुए धान की भूसी प्राप्त हुई है। तो ये निश्चित है कि वो शायद धान की खेती करते थे लेकिन उससे पूरी तरह से जानकार नहीं थे। और यहाँ से जो धान की भूसी प्राप्त हुई है वो निम्न कोटि की प्राप्त हुई है। तो संभवतः ये थोड़ा डाउटफुल है कि सिंधुवासी धान की खेती से परिचित थे अथवा नहीं। गेहूं, जौ और धान। इसके बाद आप देखिए बाजरा, जो आपके राजस्थान की भी एक महत्वपूर्ण फसल है, रंगपुर से बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं। और रोजदी, जो सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, रोजदी से बाजरे की 6 किस्में प्राप्त हुई हैं, जिनमें साबा, कोड़ी, रागी, ज्वार आदि पहचानी गई हैं। तो इस तरह से सिंधुवासी जो थे गेहूं जौ के साथ साथ बाजरे की खेती भी किया करते थे। हड़प्पा, जो सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, वहां से मटर तथा तिल की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। मेसोपोटामिया में जो कपास होता था उसको सिंधु कहा जाता था। इससे अभिप्राय यह है कि कपास की खेती भी सिंधुवासी किया करते थे और संभवतः जैसा भी हमने पढ़ा था वस्त्र निर्माण की कला से वो पूरी तरह से जानकारी रखते थे, तो कपास से शायद वस्त्र बनाया जाता होगा। तो निश्चित रूप से सूती वस्त्र उद्योग जो है वो भी उस समय प्रचलित रहा होगा। जहां मेसोपोटामिया में कपास को सिंधु कहा जाता था, वहीं यूनानियों ने कपास के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग किया है, SINDON, सिंडन, इसको ध्यान रखिएगा। यूनानी कपास को सिंडन कहा करते थे। फसलों के साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण रूप से उत्पादित किया जाता था वो थे फल, और फलों में प्रमुख रूप से केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू और तरबूज आदि की का उत्पादन किया जाता था। ये बात हो गई कृषि की। अब हम बात करते हैं पशुपालन की।
सिंधु सभ्यता में जो विभिन्न मोहरें प्राप्त हुई हैं, उन मोहरों पर विभिन्न पशुओं के चित्र अंकित किए गए हैं, जो निश्चित रूप से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सिंधुवासी पालतू पशुओं को रखा करते थे और पशु उन्हें बहुत प्रिय भी थे। इन पशुओं में प्रमुख रूप से हैं बैल, भैंस, गाय, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश आदि। कुबड़दार बैल का अंकन मोहरों पर बहुतायत से मिलता है। इसका मतलब कुबड़दार बैल संभवतः धार्मिक दृष्टि से और संभवतः सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण और प्रिय रहा होगा, इसीलिए उसका बहुतायत से अंकन मोहरों पर प्राप्त होता है। अब इसके बाद आर्थिक जीवन में है शिल्प तथा उद्योग। खुदाई में कताई और बुनाई के विभिन्न उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख है तकली और सुइयां। जो तकली और सुइयां यानी कपड़े बुनने का कार्य जो है वो बृहत स्तर पर किया जाता रहा होगा, या कपड़े बुनने की कला से सिंधुवासी भलीभांति परिचित होंगे। और इस आधार पर तकलियां और सुइयां मिलने से स्पष्ट होता है कि कपड़ा बुनने का उद्योग प्रमुख उद्योग सिंधु सभ्यता में रहा होगा। इसके अलावा रंगाई और छपाई का उद्योग, बर्तन बनाने का उद्योग और विभिन्न प्रकार के उपकरणों और अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति इस ओर संकेत करती है कि उपकरण और अस्त्र शस्त्र बनाने संबंधी कारखाने भी उस समय विकसित किए गए होंगे। तो निश्चित रूप से कृषि और पशुपालन के साथ साथ आर्थिक जीवन में शिल्प और उद्योग भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते होंगे। इसके बाद आर्थिक जीवन में प्रमुख आपका बिंदु आता है व्यापार। ऐसा माना जाता है जिस राज्य या देश का व्यापार विकसित अवस्था में होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी, और उसमें भी आप देखिए जो निर्यात है वो आयात की तुलना में यदि अधिक होता है तो व्यापार काफी मजबूत स्थिति में होता है और उससे अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। तो सिंधुवासी जो हैं वो व्यापार के क्षेत्र में भी काफी आगे थे। मेसोपोटामिया, मिश्र आदि देशों से उनका महत्वपूर्ण रूप से व्यापार होता था। इसके साथ साथ पूर्वी अफ्रीका, सीरिया, तुर्कमेनिया आदि से भी सिंधुवासियों के व्यापारिक संबंध होने के प्रमाण मिले हैं। व्यापार बाह्य और आंतरिक दोनों ही उन्नत अवस्था में था और संभवतः व्यापार को अधिक विकसित और सुदृढ़ करने के लिए व्यापारियों का सुदृढ़ संगठन भी रहा होगा, जिसके माध्यम से व्यापार को अधिक विकसित किया गया होगा। इन पॉइंट्स के आधार पर आप सिंधुवासियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को भली भांति स्पष्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में सिंधुवासियों के राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।